रिलीफ वाल्व, या आप कह सकते हो सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कि प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो दोस्तों आज इस वीडियो में प्रेशर कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड दो तीन वाल्व पे बात करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाल्व है रिलीफ वाल्व, तो रिलीफ वाल्व पे मैं ज़्यादा इस वीडियो का फोकस ही है रिलीफ वाल्व पे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। और दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ हाइड्रोलिक से, और सारे वीडियो का लिंक आइकॉन में डाल दूंगा, तो आप आइकॉन को क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो रिलीफ वाल्व है। दोस्तों मैं हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व की अभी बात नहीं करूंगा, वो बाद में बात करूंगा, पहले रिलीफ वाल्व आपको समझाया था वो रिलीफ वाल्व होता क्या है। दोस्तों किसी भी सिस्टम का एक लिमिट होता है कि आप इस सिस्टम में इतना केजी का प्रेशर हो सकता है, इतना केजी का माने कोई भी प्रेशर, कहीं भी प्रेशर अवेलेबल, जैसे बॉयलर हुआ या कहीं प्रेशर अवेलेबल, प्रेशर माने बनाने की कोई डिवाइस है, उस डिवाइस में क्या होता है कि उस डिवाइस को एक लिमिट डालना पड़ता है कि इस डिवाइस के अंदर इतना लिमिट तक ही प्रेशर रह सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं ना हो, अगर हो तो कुछ एक्शन हो, मतलब कुछ एक्शन हो उसके हेल्प से उसको प्रेशर को रोका जा सके। तो रिलीफ का मतलब आप जानते हैं, रिलीफ का मतलब बचाव होता है। तो बचाव का मतलब ये होता है, रिलीफ वाला काम ये होता है, ये वाल्व काम क्या करता है कि किसी भी सिस्टम का प्रेशर को जो इस वाल्व में आप प्रेशर सिस्टम में लगा दोगे, तो इस वाला काम ये होगा कि उस सिस्टम में आप जितना चाहोगे प्रेशर उतना ही केजी प्रेशर हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर प्रेशर हो रहा तो ये बाल एक्शन करेगा। तो ये बाल दो तरह एक्शन करेगा, ये तो बाल एक, या उसमें प्रेशर ज़्यादा हो रहा तो एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल देगा, या दूसरा चीज़ ये है कि आप इससे एक आज के टाइम में एक लॉजिकल वाल आता है, इससे डिजिटल आउटपुट इनपुट मिलता है कि जैसे आपने किसी टाइम में दो के किसी लाइन में 100 kg प्रेशर आ रहा है, 100 kg प्रेशर आते ही या किसी टैंक में 100 kg प्रेशर पूरी गया तो उसके बाद टैंक को जो भरने वाला मोटर है वो ऑफ हो जाए, तो उस मोटर को ये एक सिग्नल देकर ऑफ करवा देगा, पर वो काफ़ी एडवांस में होता है, मैंने आज बेसिक बात करनी है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रिलीफ वाल्व का काम ये होता है किसी भी सिस्टम को एक पोजीशन पर रखना, मतलब उस पोजीशन से आगे बढ़ने नहीं देना, किसी एक पॉइंट पर रखना, उस पॉइंट से आगे ना बढ़ने देना। अगर सपोज वो सिस्टम उससे आगे बढ़ रहा है तो ये एक्शन लेके उस सिस्टम को उसी पोजीशन पर लाना। तो रिलीफ वाला काम ये होता है कि इसमें बेसिकली रिलीफ वाल्व हर एक जगह लगे, आप जहाँ भी वाटर प्रेशर हो, हाइड्रोलिक प्रेशर हो, एयर प्रेशर हो, सब तरह रिलीफ वाल्व का यूज़ किया। रिलीफ वाल्व का काम ये होता है कि जो प्रेशर है उसमें ये प्रेशर सेट किया जाता है, उस सिस्टम का प्रेशर को इसके हेल्प से सेट किया जाता है कि मैं चाहता हूँ इससे इस टैंक के माने जिस किसी वाटर लाइन में इतना प्रेशर से ज़्यादा ना बढ़े, इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो प्रेशर को रिलीज करके डिस्चार्ज कर दे। दोस्तों इसमें आप रिलीफ वाल्व में क्या है कि इनलेट, मतलब जो प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर है वो प्रेशर की हेल्प से ये वाल्व हमारा ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेट होने के बाद ये वाल्व कब तक ऑपरेट, जब तक उसका एक्स्ट्रा प्रेशर डिस्चार्ज ना हो। वो जैसे मैंने प्रेशर 100 kg का है पर 120 kg हो गया, तो क्या होगा 20 kg को ये वाल्व क्या करेगा, इस स्प्रिंग को आपने 20 kg में सेट कर रखा है, स्प्रिंग जो एडजस्टेबल की हेल्प से ही पूरे सिस्टम एडजस्ट होता है। हमने 100 kg पर एडजस्ट कर दिया, अब 120 kg सिस्टम प्रेशर आ गया, जैसे 101 होगा वैसे ये वाल्व काम करना शुरू करेगा और सारे प्रेशर को डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। पर ये इतना सिर्फ 100 के ऊपर ही करेगा, 100 से नीचे का प्रेशर कुछ नहीं कर सकता, उससे नीचे कुछ भी हो रहा है कोई एक्शन नहीं करेगा, उससे ओवर होगा प्रेशर, ये सिस्टम का प्रेशर को डिस्चार्ज करेगा। ओके दोस्तों हाइड्रोलिक वाल्व हर एक सिस्टम में, जैसे आप जहाँ प्रेशर काम होगा वहाँ रिलीफ वाल्व लगेगा। रिलीफ वाल्व काम ये रहेगा कि सिस्टम के प्रेशर को ओवर होने से बचाए, वो जो प्रेशर आपने सेट किया वो प्रेशर मिले आपको और उससे ऊपर जाने से बचाए, नीचे प्रेशर डाउन होने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर प्रेशर डाउन हो रहा है तो रिलीफ वाल्व कुछ भी नहीं कर सकता, अगर प्रेशर ओवर हो रहा है तो रिलीफ वाल्व काम करेगा, प्रेशर कम होने से रिलीफ वाल्व कोई काम नहीं करेगा। ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है कि रिलीफ वाल्व का काम ये है कि जो रिलीफ वाल्व आपने प्रेशर सेट कर दिया उससे ओवर प्रेशर नहीं होने देगा, अगर होगा सिस्टम प्रेशर तो प्रेशर को डिस्चार्ज कर देगा। अब जब बात करते हैं हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व, सो दोस्तों ये रिलीफ वाल्व तो मैनुअली रिलीफ वाल्व, रिलीफ वाल्व सिर्फ प्रेशर से ही ऑपरेट होगा, प्रेशर से डिस्चार्ज होगा, मतलब ये देख लो इसमें प्रेशर जैसे पड़ा तो ये क्या होगा, ये शाफ्ट ऊपर स्प्रिंग दबेगी, दबने के बाद ये क्या ये एरिया होके ऐसे डिस्चार्ज, ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। पर हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व में कुछ अलग प्रोसेस होता है। दोस्तों हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व का अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, पैसे मेरे पास डायग्राम है, उसमें उससे अच्छी तरह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हाइड्रोलिक की बात करें तो एक ये मैंने वाल ले लिया, ये हमारा वाल है। ओके दोस्तों एक मैंने ये हमारा होल्स है, इसको कलर देता हूँ मैं कोई सा भी, ये मेरा होल है। और उसके बाद दोस्तों इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट।
दोस्तों थोड़ा टाइम दो, उसके बाद मैं आपको एक बार रिली बॉल बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो मैंने ड्राइंग क्रिएट कर दिया अपने लीप बॉल का, लीप बॉल का आप इस पर समझाऊंगा कैसे काम करेगा। दोस्तों आपको पहले ये ड्राइंग समझाता हूँ। दोस्तों ये वाला जो लाइन है ये प्रेशर लाइन है, मैन प्रेशर लाइन जो टैंक से ये जो है ना, ये वाला प्रेशर जो लाइन जो जा रहा है ये लाइन है, ये मैन प्रेशर लाइन है। पर एक चीज और आप नोट कर लो कि कभी भी रिलीफ बॉल जो है हमेशा पैलर में कनेक्ट होगा, सीरीज में कभी कनेक्ट नहीं होगा। रिलीफ बॉल हमेशा पैलर में कनेक्ट होगा, जैसे आपने गैस गेज कनेक्ट करते हो ना प्रेशर गेज, वैसे ही कनेक्ट होगा। और दोस्तों इसका जो एक्शन होगा वो एक्शन जो होगा इस पाइप जो मैन प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन के अंदर जो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसके द्वारा प्रेशर क्या होगा ऐसे होते हुए इसकी पायलट लाइन इस वाले में कनेक्ट होगा, इसमें आके उसके बाद इससे फोर्स बनाएगा। ये जो है इसको क्या करेगा ऐसे ऐसे करके ऐसे मोमेंट करवाएगा, उसके बाद क्या होगा ये सारा प्रेशर ऐसे होकर इससे रिलीज होगा, जैसे इसका पूरा वैल्यू बस ये पीछे हो जाएगा। ओके दोस्तों एक चीज और सही से मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करना है इसको, कि जैसे इसमें प्रेशर मैंने 100 केजी का सेट कर दिया, रिलीफ बॉल का स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने 100 केजी पे एडजस्टेबल का ये ले लेता हूँ एक बॉक्स, जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये मैं रेगुलेटर है, मैंने इसको घुमा के 100 पे 100 केजी प्रेशर पे इसको रिलीफ बॉल को मैंने सेट कर दिया। तो अब क्या है ये जो है ये इसका प्रेशर इसमें नहीं आएगा, ये ब्लॉक हो गया। अब जैसे इसमें 100 केजी प्रेशर बना तो ये प्रेशर इस लाइन से होते हुए इस वाले पाइप आएगा और उसके बाद इसको है ना नीचे की ओर पुल करेगा, तो ये स्प्रिंग की 100 केजी के प्रेशर के लाएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा दबना शुरू हो जाएगा, इस तरह से दब जाएगा। उसके बाद जितना जितना दबेगा उतना ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता लीकेज करते 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 जैसे पूरा इसने कर दिया, जैसे 100 मैंने केजी रखा है 200 केजी का, तो ये पूरा ऐसे कनेक्ट होगा और 20 केजी प्रेशर को डिस्चार्ज कर देगा। जैसे डिस्चार्ज हुआ उसके बाद ये क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फंस जाएगा, फिर इसमें प्रेशर बढ़ा तो इसका काम यह है कि सिस्टम का प्रेशर 100 केजी से ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे 100 केजी हो तो ये ऐसे चलना शुरू कर देगा, जैसे जितना 100 केजी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चल के ये क्या होगा पूरे प्रेशर को ऐसे करके टैंक में लाना छोड़ देगा। जैसे एक सपोज एक टैंक भी ले लेता हूँ और आपको ये हमने टैंक ले लिया, इस टैंक में छोड़ देगा, मतलब ये टैंक में ऐसे प्रेशर इस टैंक के अंदर आना शुरू हो जाएगा। रिलीफ वाला काम ये है कि सिस्टम का प्रेशर को मेंटेन रखना, उससे आगे बढ़ने नहीं देना। अगर प्रेशर घट रहा है तो कोई एक्शन नहीं करेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या होगा जैसे ये ऑफ है अभी, जैसे सिस्टम का प्रेशर बढ़ा तो ये प्रेशर क्या इस लाइन से ऐसे होते हुए इसमें आएगा, इससे यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके बाद इसको क्या करेगा इसको धक्का मारेगा, तो ये क्या स्प्रिंग को अपने 100 केजी में डाल लगा, जैसे इसके अंदर 100 केजी ज्यादा प्रेशर ये क्या होगा ऐसा आगे भागना शुरू होगा। इतना आप थोड़ा लिख हुआ एक और जितना तेजी में अगर प्रेशर भागेगा उतना तेजी में ये भी इस स्पीड से ऐसे आएगा और पूरे प्रेशर को यहाँ से सीधे लेके इतना इसमें डिस्चार्ज कर देगा, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर है इसका वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर है। जैसे ये 100 केजी भी गए वैसे ये स्प्रिंग इसको धक्का मार के पीछे कर देगा, जैसे 100 केजी से बड़ा ऐसे फिर ऐसे ऐसे काम करता है, ये ऐसे ऐसे काम करता है बस ऐसे गया फिर ऐसे जैसे बढ़ेगा, अगर कुछ भी नहीं है मतलब प्रेशर 100 केजी से एकदम फिक्स है, आपने आगे पीछे ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये आगे पीछे नहीं होगा, आगे पीछे यही इसी के प्रेशर की हेल्प से ही ये आगे पीछे होता रहता है। दोस्तों समझ में आ गया कि रिलीफ बॉल कैसे काम करता है। रिलीफ बॉल का काम ये होता है कि जैसे प्रेशर अपने रिलीफ बॉल से हम सिस्टम का प्रेशर को मेंटेन सेट करते हैं कि हमें 200 केजी चाहिए, अगर हमने 200 केजी सेट कर दिया 200 केजी एक होगा तो वैसे यहाँ से 200 केजी 1 केजी 201 केजी प्रेशर यहाँ से आगे इसको प्रेस करना शुरू करेगा। 200 केजी में कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे एक बड़ा आराम से भरना शुरू कर देगा ये, जैसे 110 जैसे बगा ऐसे आएगा ये कनेक्ट होगा टैंक सीधा प्रेशर को टैंक में कनेक्ट कर देगा और सारे प्रेशर इसका जितना वैल्यू उतना इसको एक्स्ट्रा वैल्यू को डिस्चार्ज कर देगा। ओके दोस्तों काफी समझ में आया होगा, आप इसका एक सिंबल्स दिखाता हूँ और उसमें आपको अच्छी तरह और समझाता हूँ। दोस्तों ये रियल टाइम में ऐसे दिखता है, ये पार्ट
ये पायलट लाइन है, ये टैंक है, ये है। तो ये दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे ये इससे कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर इसलिए, उसके बाद ये क्या होगा, ये स्प्रिंग दबेगा, उसके बाद ये जो ना ऊपर भागेगा, ऊपर भागते ही पूरा शाफ्ट ऊपर की ओर भागेगा, मतलब इस एरिया में चला जाएगा शाफ्ट। जैसे इस एरिया में जाएगा तो क्या होगा, ये इसका ये पूरा एरिया बिलिंग खाली हो जाएगा, मतलब ये सारा एरिया जो खाली हो जाएगा, प्रिपरेशन ऐसे होगा, ऐसे तो निकल जाएगा। अब जैसे इसका वैल्यू, इस स्प्रिंग का वैल्यू 100 kg में डाला, 100 kg जैसे पूरा 100 kg से ऊपर भागा, तो उससे क्या होगा कि ये वाला प्रेशर यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है, मतलब ये जो आप बता रहे हो ये जो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो इनलेट से आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मैन प्रेशर लाइन से, मैन प्रेशर लाइन से जो मैन प्रेशर लाइन है, मैन प्रेशर लाइन से ही होकर पायलट लाइन में आता प्रेशर। तो मैन प्रेशर लाइन में जितना केजी प्रेशर हो उतना केजी यहाँ पर प्रेशर आपको मिलेगा। वो प्रेशर इसको प्रेस करता है, इसको दबाता है, ये इसको पीछे खींचता है, ये स्प्रिंग से अगर इधर हो रखा है तो उसके हिसाब से, तो आप देख सकते हो, तो ये पायलट ये स्प्रिंग को ऊपर करेगा, ये अपने आप ऊपर भागेगा, ये ऊपर भागते ये यहाँ तक स्पेस, मतलब यहाँ तक स्पेस खाली हो जाएगा, ये स्पेस यहाँ तक खाली हो जाएगा। अब जैसे खाली हुआ तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर सीधे इसे ऐसे होते हुए सीधे निकल जाएगा। उसके बाद जैसे प्रेशर घटा वैसे पायलट रन फिर इस स्प्रिंग इसको पुल कर देगा, पुल करके फिर इसको बंद कर देगा। क्या होगा कि ये जो ये वाला ये ऑपरेशन है, ये इसमें जाकर यहाँ पहुँच जाएगा, ये स्पेस भर जाएगा और उसके बाद ये स्पेस खाली हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा प्रेशर। अब चलते हैं प्रेशर जो होता है, प्रेशर रिलीवर कैसे ड्राइंग में शो करता है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक कंप्लीट बेसिक ड्राइंग है हाइड्रोलिक का। इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है, एक डायरेक्शन कंट्रोल और मैनुअल डायरेक्शन कंट्रोल वाल लगा हुआ है, उसके अंदर रिलीफ वाल लगा हुआ है। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज को यहाँ पर वाल इसे ही लगाते हैं, कभी प्रेशर गेज डैमेज हो गया तो हम इस वाल से बंद करके इस प्रेशर गेज को चेंज कर सकें। ये भी है, ये टैंक लाइन है, टैंक लाइन का ऐसा सिंबल होता है अक्सर, तो सेक्शन टू में रिलीफ वाल है। अब क्या है कि हमारा ये पंप है, ये पंप ने 200 kg प्रेशर है, आपने रिलीफ वाल को 100 kg पर डाल दिया। जैसे 200 kg ये जो ये एरो का निशान है, ये इस लाइन से आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप ये वाला एरो का ये था, ये क्या होगा, इस लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, जो आपको दिखा रहा है ये वाला, ये मैन लाइन हुआ, ये टैंक लाइन हुआ, ये तीर नीचे आएगा। जैसे प्रेशर ऐसा होकर जाएगा, इसको दाबेगा नीचे और ये से कनेक्ट होगा, सारा जो एक्स्ट्रा प्रेशर उसको डिस्चार्ज करेगा, टैंक में भेज देगा, मतलब टैंक में आ जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसकी फैमिली की बात करते हैं। दोस्तों रिलीफ वाल्व की बात करें तो रिलीफ वाल्व जो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो मैं बता देता हूँ आपको। रिलीफ वाल्व जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उस फैमिली का नाम है दोस्तों प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ओके दोस्तों, प्रेशर कंट्रोल वाल्व से ही ये बिलोंग करता है, ये इसको ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व के कैटेगरी में आता है रिलीफ वाल्व, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और एक अभी एक चीज़ और है, ये सेफ्टी वाल्व में भी, सेफ्टी वाल्व की भी बात आएगी, तो रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व और प्रेशर कंट्रोल वाल्व इसमें यूज़ किया जाता है। तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई सी वाल्व हो, इसकी जो बेसिक है वो रिलीफ वाल्व ही कहलाएगी। उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते हैं, जैसे हमने इसमें एक NR20 के साथ ऐड कर दिया, तो ये इसको बोल देंगे मोशन कंट्रोल वॉल हो गया। इसके अंदर मैंने क्या, इसके एडजस्टेबल के एडजस्टेबल से हमने लिक्विड निकाल लिया, उसको इस रिलीफ वॉल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस रिलीफ वॉल को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब रिडक्शन वॉल में ये भी रिलीफ वॉल की तरह काम करता है। रिडक्शन वॉल में क्या होता है कि इसका आउटपुट से जो प्रेशर कहीं जा रहा है, उस प्रेशर से हम इसको कंट्रोल करते हैं, उसको रिडक्शन वॉल, रिलीफ वॉल, मोशन कंट्रोल वॉल, ये सारे एक ही फैमिली के ही वॉल है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने वीडियो देखकर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और एक और पॉइंट लेता हूँ दोस्तों, ये चेक वाल का काम ये होता है कि सिर्फ प्रेशर को एक डायरेक्शन में जाने का, दूसरा नाम है NRV वाल। प्रेशर सिर्फ इधर आ सकता है, इधर नहीं जा सकता, सिर्फ प्रेशर इधर आ सकता है। आप प्रेशर, अगर प्रेशर की बात करें, इधर इधर प्रेशर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, सिर्फ इधर आ सकता है प्रेशर। इसकी बात करें तो ये इसमें क्या है कि दोनों, इसकी बात करें तो ये दोनों डायरेक्शन में प्रेशर जाएगा, पर प्रेशर क्या होगा, ये जो एडजस्टेबल लगा हुआ है इसके अंदर, एडजस्टेबल के हेल्प से आप कम बेसी कर सकते हो। रिलीफ वाल्व का मैंने आपको बताया कि रिलीफ वाल्व में जो प्रेशर आप सेट करोगे उससे ज़्यादा प्रेशर होगा, तो रिलीफ वाल्व काम करना शुरू कर देता है। ओके दोस्तों, अगर सिस्टम का प्रेशर वो 100 kg आपने डाला, तो 100 kg से जैसे ऊपर होगा तो ये रिलीफ वाल्व काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, 100 kg से एक्स्ट्रा प्रेशर को ये टैंक में रिलीज कर देगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और
मेरे को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, इस टाइप के हमारे बहुत सारे वीडियो आने वाली है और मैंने अभी बनाया भी है।